यास्मीन, तुमको वॉइस नोट्स भेजने की एक आदत सी पड़ गई। शायद मुझे लगता है कि तुम्हारा फोन मेरी यादों की एक संदूकची है, जिसमें मेरा माजी, हाल और मुस्तकबिल महफूज रहेगा। वैसे तो बचपन से लेकर आज तक तुम हमारी पड़ोसी रही हो, तुम्हें सब मालूम है, पर शायद कुछ यादें धुंधला भी गई हों। तुम्हारे रेडियो शो में इस हफ्ते मैं गेस्ट हूँ ना, तो मुझे कुछ थोड़ा बहुत तो याद दिलाना। लंदन की एक सर्द शाम, जब मेरी माँ, मेरा छोटा भाई इज़्ज़त और मैं पाकिस्तान से भागकर इंग्लैंड आए। जी, ज़ैनब से बात हुई थी मेरी पाकिस्तान से, उन्होंने मुझे एयरपोर्ट लेने आना था पर वो नहीं आई। मैं मेहरू बोल रही हूँ। जी जी, हेलो, चलो बेटा। Thank you. I've had enough of loss, enough of gain. I have my love. What more can I obtain? माँ, ये क्या कह रहा है? ये हाफिज शिराजी का सबक पढ़ रहा है। हाफिज शिराजी फरमाते हैं कि मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया, लेकिन जब मुझे मोहब्बत मिली तो सब कुछ मिल गया। अब और क्या मांगू? माँ, आप भी खाने कौन है? मुझे भूख नहीं है। माँ की आंखों से निकला हुआ एक एक आंसू तीर की तरह दिल पर जाकर लगता था। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕੀ? ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਲੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਗਰਮ ਗਰਮ ਚਾਹ ਦਾ ਪੀਓ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਭਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਚੱਲ ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਭਰਾ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੰਨ। लेकिन कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। हस्बैंड जब तक थे किसी को ऐसी जरूरत नहीं थी। उनके जाने के बाद उनके चाचा इनकी जान के दुश्मन। बताइए इन मासूम बच्चों का क्या कसूर? सच कहा है किसी ने, जायदाद और जमीन भाई को भाई का दुश्मन बना देती है। इसलिए मैं अपने बच्चों को लेके यहाँ आ गई, अपनी जायदाद और अपना वतन छोड़ के। ऐंजी हुंदा आया है, ऐ केड़ा कोई नवी गल है? दुनिया का पहला कतल आदम के दो पुत्र कबील ते हबीब, दो सके भरा, सके भरा का कतल सके भरा दे हथों होया है। पर तुम फिक्र ना कर, आज तो तेरी ते तेरे बच्चों की रहन ते खान पीन का सारा इंतजाम असी खुद करेंगे। मेरी मूंह बोली भैन ते उसके बच्चों मैं कोई भी परेशानी नहीं आ दवांगा। एक सरदार का वादा है, एक सरदार का वादा है। क्यों भगवान ने, मैं ठीक क्या है ना? बिल्कुल ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते। वही वक्त, वही जगह, वही फ्रीक्वेंसी, वही आप और वही मैं, आपकी होस्ट और दोस्त आरजे यास्मीन। और इस
इसके साथ साथ होंगे हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत। वो कौन है, उनका नाम क्या है, अभी आपको बताने वाली हूँ। मिस्टर आज़िर मलिक। अगले हफ्ते का टॉपिक होगा हम ब्रिटिश पाकिस्तानी चैरिटी के कामों में आगे आगे। और आप जैसे जानते हैं कि आज़िर मलिक वन ड्रॉप ऑफ क्लीन वाटर चैरिटी के CEO हैं, और इसके अलावा वो लोकल गवर्नमेंट के साथ बहुत सारी चैरिटी के लिए भी काम करते हैं और होमलेस लोगों की मदद भी करते हैं। और रिसेंटली उनको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा अवार्ड भी मिला है। और यही नहीं, उनका एक कामयाब प्रॉपर्टी बिजनेस भी है। तुमने तो सब बता दिया आज़िर अपने बारे में, पर ये नहीं बताया कि मैं तुम्हारी अम्मी से पहली बार कब मिली थी। My name is Mehrunisa. We just moved here opposite your house just a few days before. Jasmine came to me, say hi. मैं निकला हूँ। अंदर आई? No, thank you. बस मैं अब चलती हूँ। Thank you for bringing my daughter back. इसके नाम यास्मीन है। इसके अब वो पाकिस्तानी थे। अल्लाह ने जन्नत अल फिरदौस में जगह दी। No, her father is very much alive. हम लोग अलेरा हो गए हैं। I like Yasmin. आप जब भी चाहें से मेरे पास छोड़ सकती हैं। I think she likes you too. Maybe I will send her. आप इसको उर्दू सिखाएं। Sure, सिखाऊंगी उर्दू, जरूर सिखाऊंगी। आप इसे मेरे पास छोड़ जाया करें। हेलो। हाय। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आंखें बंद करो। क्या हो गया? करो ना, और देखना मत। अच्छा, बंद रखना। तुम्हारी ये गिफ्ट देने की आदत जो है ना, जाएगी नहीं। वाओ, क्या लग रहे हो। तुम्हें पता है क्या, जो भी लड़की तुम्हारी जिंदगी में आएगी ना, बहुत खुशकिस्मत होगी। आई ना जाए कहीं, बट थैंक यू वेरी मच, लवली गिफ्ट, याद रखूंगा हमेशा। क्या क्या याद रखोगे? तुम्हें और तुम्हारे गिफ्ट्स को। अच्छा ये बताओ कि तुमने लिसनर्स को बताया कि हम लोग बचपन से एक साथ हैं, नेबर्स हैं, और हम बहुत क्लोज हैं, फैमिली फ्रेंड्स भी। अगर ये सब कुछ बता दूंगी तो ये लगेगा कि नेबर का इंटरव्यू ले रही है। बहुत इंटेलिजेंट हो गई हो तुम यास्मीन। वो तो मैं हूँ, लेकिन लोग आजकल बहुत होशियार हो गए, और फिर सोशल मीडिया। होशियार तो खैर तुम भी बहुत हो, सब कुछ पता है तुम्हें, सब कुछ जानते हो, और टाइम से पहले भी पहुंच जाते हो। लेकिन एक बात नहीं जान पाए। क्या? कुछ नहीं। बता दो, यहाँ उर्दू कोई नहीं जानता। क्या बात याद दिला दी। याद है तुम्हें जब इज्जत को उर्दू नहीं पढ़नी होती थी तो वो कि यहाँ इंग्लैंड में कोई उर्दू नहीं जानता। मुझे नहीं लिखनी उर्दू। मुझे उर्दू नहीं लिखनी। मुझे नहीं लिखनी उर्दू। क्यों नहीं लिखनी उर्दू? बेटा, तुम पाकिस्तानी हो, तुम्हें उर्दू लिखनी भी चाहिए और बोलनी भी चाहिए। कोई नहीं बोलता। सब बोलते हैं, सब पाकिस्तान में बोलते भी हैं और लिखते भी। अच्छा, तुम जल्दी से जाके शलवार कमीज पहन के तैयार हो जाओ, जुमे की नमाज का वक्त हो रहा है। जाओ बेटा। मैं शलवार कमीज नहीं पहनूंगा। क्यों नहीं पहनोगी? देखो तुम्हारा भाई पहनता है शलवार कमीज, नमाज भी पढ़ता है। कोई नहीं पहनता, सब हंसते हैं। माँ रहने दे, ऐसे ही नमाज पढ़ने दे। मौलवी साहब कहते हैं कि नमाज खुशी से पढ़नी चाहिए। अच्छा चलो जाओ, ऐसे ही पढ़। क्या याद दिला दिया तुमने भी।
गाड़ी मैंने दूसरे अंडरग्राउंड पे खड़ी की है। चलते हैं, वहीं से तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। कॉफी नहीं पिलाओगे? तुम्हारी शादी ना किसी ब्राजीलियन फुटबॉलर से होनी चाहिए। कॉफी पिला पिला के तुम्हें जगाए रखे। जागने के लिए मुझे कॉफी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की एक मोहब्बत भरी नजर ही काफी है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। हैप्पी बर्थडे। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। आओ आओ आओ। हेलो इज़्ज़त। हाय, हाउ आर यू? तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। लेट्स सेलिब्रेट। यस। Hello everyone. Hello, hello. Awesome. Hello. How are you? Good, good. Celebrating happy birthday. Yes. 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 Happy birthday to you. Yay! Main card ke dete do. Yum yum yum. Cheers. I have to give you this one. बहुत ही मजे का केक बना हुआ है। सिंगल लेकिन यम्मी। अच्छा अच्छा, ज़्यादा मक्खन ना लगाओ मुझे। खाना से सबसे ज़्यादा अच्छा आंटी बनाती हैं, स्पेशली एशियन फूड। आंटी आपके हाथ का पाकिस्तानी खाना मुझे बहुत पसंद है और वो कबाब्स बहुत ही मजेदार होते हैं। माँ के खानों की क्या बात है, इनके खानों के बगैर तो मैं रह ही नहीं सकता। और वे पाकिस्तानी खाने, आई एग्री, तभी तो बचपन से भागी भागी इस घर में आ जाती हैं खाना खाने के लिए। कभी पाकिस्तान जाओ तो वहां जाकर देसी खाने का। हाँ, तुम जाते रहना पाकिस्तान, और जब वहां होते हो तुम्हें अंदाजा नहीं है, सारा वक्त मैं जाय नमाज पे बैठी हुई होती हूँ। एक हफ्ते के लिए तो गया था माँ, क्या हो गया आपको? मैं माँ हूं ना, तुम्हारी समझ में बात नहीं आएगी जब तक तुम बाप नहीं बनोगे और तुम्हारे अपने बच्चे नहीं होंगे। जब अपने बच्चे हो जाते हैं तो माँ बाप की कदर पड़ जाती है। मॉम, बाप तो तब बनेगा जब शादी होगी। प्लीज इसकी शादी कर दें, इट्स गेटिंग लेट नाउ। अगर नहीं करेंगे तो फिर बाप भी कोई उनको अपनी बेटी नहीं देगा। आगे अम्मी इसकी शादी करा दे। मैं तो अभी अपनी अम्मी के पके हुए खाने खाना चाहता हूँ, दुनिया घूमना चाहता हूँ, उसके बाद कहीं जाके अपनी बारी आएगी। हाँ, मेरी शादी जब मर्जी कर दे, मैं तो तैयार हूँ। इससे कौन शादी करेगा, एक नंबर का निखट्टू है। मैं तो सलीना गोमेज के साथ शादी करूंगा। चलो भाई तैयार हो जाओ सलीना के नखरों के लिए। मैं क्यों नखरे उठाऊंगा, वो तो मेरे नखरे उठाएगी। What do you think you are doing? That is my personal draw, miss. It's my very personal cheesy high. No, mom. These are my childhood memories as well. वो यादें जिस पे मेरा पास्ट छुपा है, और इसी पास्ट के पीछे मेरी कहीं ना कहीं आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी है इसमें?
What are you talking about? To marry Aulad Ho, that is your identity. वो identity जिसने ये शकल दी है. The way I feel, the way I talk, the way I sound, मेरा बात. उन्हीं को ढूंढ रही हूँ मैं. तुम्हें कितनी दफा कहा है, भूल जाओ उसे. Why, mom? वो हमें छोड़ के क्यों गए? आपने ऐसा क्या किया? उन्होंने ऐसा क्या कहा? उसको कभी ये ख्याल नहीं आया कि उनकी बेटी कैसी है, कहाँ है, किस हाल में है? क्या उनको अपनी बेटी की कभी कोई फिक्र नहीं हुई? He left us. He wants nothing more to do with us. Oh, main chokar chala gaya hai. Na hi chahta wo tumse ya mujhse koi taluk. Stop going through my stuff now. To hurt you, Mom. You're my identity. You're my mother, my love. मैं आपको तकलीफ पहुंचाना चाहती थी. मैं तो बस ये जानना चाहती थी कि मेरा बाप कौन है, कहाँ है, क्यों नहीं मिला है मुझसे कभी. मुझे डर है मैं अकेली रह जाऊंगी. I won't leave you. And you won't be. We are there for each other for life. हम हैं ना एक दूसरे के लिए पूरी जिंदगी. उसे भूल जाओ बेहतर. Please forget me. I didn't want to hurt you either. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अरे वाह, आज तो आप बड़े क्यामत ढा रहे हैं. थैंक यू. जब तुम इतनी खूबसूरत प्यारी उर्दू बोलती हो तो मैं हैरान रह जाऊं. ऑल क्रेडिट गोज टू योर मम, उन्होंने तो सिखाई है मुझे सारी उर्दू. बाय द वे, ये आपका जो हैंडकरचीफ है कुछ सीधा नहीं है. ये तो मैंने जानबूझ के लगाया है. मुझे अच्छा लगता है कि एक चीज अपनी जगह से हिली भी, उसको अपनी जगह में लाने में मजा आता है. और परफेक्शन जो है वो इंसानों के लिए नहीं, सूट नहीं करती. अरे ये क्या, मैं तो अपने आप को परफेक्ट समझती हूँ, पर आप भी बहुत परफेक्ट है. जब बनाने वाले ने कमी नहीं छोड़ी तो हम क्यों छोड़े? ये तो बनाने वाली की शान, उसने आपको बड़ा खूबसूरत बनाया. और फिर इंसान तो क्या, यही ना कि गलतियां करते हैं, पर इंसान गलतियों से ही तो सीखते हैं. हम परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन बन तो सकते हैं. इस हैंडकरचीफ की तरह जब इसकी एक एक सिलवटें सीधी कर सकते हैं तो जिंदगी की क्यों नहीं. बिल्कुल कर सकते हैं. ठीक होने वाला अपना हिस्सा बन जाता और करने वाला. अब मुझे सीधा किया है या खराब? नहीं, बिल्कुल ठीक लगा है. ये बताएं कि क्या करना है? मैं तो भूल ही गई, आज मैंने आंटी से प्रॉमिस लिया था कि हलीम बनाना सिखाएंगी वो मुझे, तो मैं तो जा रही हूँ हलीम सीखने. नहीं, ये तो उतार दूंगी. अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स, मैं हूं तौकीर भट्ट और आप सुने हैं आवाज़ एफएम.
बिल्कुल ठीक हूँ और आज फुल तैयारी के साथ आई हूँ. पूछे किस चीज की? किस चीज की? आज आपने मुझे हलीम बनाना सिखाना है. ओह अच्छा अच्छा, हाँ जरूर सिखा दूंगी, मगर पहले हम हलीम के इंग्रेडिएंट्स तो जमा कर लें, है ना. ओह बिल्कुल, सारी चीजें. नाम है खानदान की अहमियत. किसको फोन कर रही है? इज्जत को. ले ना आया कहीं आपका बेटा इज्जत. हेलो, कहाँ बेटा? एक काम तो करो, वो देसी स्टोर है ना, उससे कुछ दालें चाहिए, वो लेके आ. मुझे नहीं जाना ग्रोसरीज लेने, अजीब किस्म के लोग हैं वहाँ पर, ऐसे जोर से गले मिलते हैं और ऐसे शो करते हैं जैसे जान देते हैं. कहते हैं आओ जी आओ, तुम्हारी दुकान है जी, रोटी शोटी ड्रिंक श्रिंक. जैसे ही शॉपिंग करके बाहर निकलूं, पीछे से ही मजाक उड़ाते हैं. बहुत ही नालायक. आपकी लाइफ में उन्होंने क्या? आज़र से कहूंगी ना, अभी दो मिनट में सारी चीजें लेके आएगा, वो मेरी कोई बात नहीं करती. भाई को भेजो, उनको इस तरह के लोग वैसे ही बहुत पसंद है. मैं दोस्तों के साथ सिनेमा जा रहा हूँ एंड डिनर लेटर. अगर आपको कुछ खाना है तो बताइए, आई विल ब्रिंग इट. ओके मैम, लव यू. हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे हैं. आज बहुत खुश लग रहे हो. तुम कहती हो के ऐसे प्यार को भूल जाओ. खाना कब रेडी होगा? बहुत जल्द रेडी होगा. आज बहुत मूड हो रहा है मूवी देखने का. हाँ अभी देखते हैं मूवी मेरी जान. हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे हैं. तुम कहती हो के ऐसे प्यार को भूल जाओ. शादी के अंदर होने वाली जो डिफरेंट रसूमात और जो रिचुअल्स और कस्टम्स हैं फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, उसके ऊपर हम बात करेंगे और उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगी. वाओ, शादी और वलीमा होता है. टू गर्ल आंटी, इतने मजेदार हलीम तो मैं बिल्कुल भी नहीं बना सकती. और शादी तो बनाइए ये सारी चीजें. मैंने कहा बनाइए? आई तो जस्ट हेल्प यू आउट, दैट्स इट. शादी ये वो लड्डू है जो चखे वो भी पछताए और जो ना चखे वो भी पछताए. एक नए और मुनफरिद टॉपिक से आगाही कर रहा हूँ, तो सोचा कि क्यों ना आज हम बात करते हैं शादी 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 शादी. लड्डू है जो चखे वो भी पछताए और जो ना चखे वो भी पछताए. शादी 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 शादी. और मैं आपको ये भी बताती चलूं कि आप हमारे स्टूडियो नंबर पे कॉल कर सकते हैं 01494545. मेरा कार्टून बेटा, इसे सिवाय शरारतें और हिमाकतें करने के कुछ नहीं आता. अब सीरियस हो जाओ बेटा. मॉम मैं सीरियस हूँ. अच्छा मैंने आपका गाना सुन लिया, अब आप मेरा गाना सुने. अच्छा हाँ. अच्छा है, लेकिन मुझे अपने गानों में ही अपनी पहचान नजर आती है. मेरे लिए ये गीत बहुत स्पेशल है. इन्हीं गानों में आंटी की आइडेंटिटी है, पहचान है. ओह मॉम दैट वाज रियली डीप.
मुझे बहुत भूख लगी है अभी। आपका वो वर्ल्ड फेमस हलीम तैयार है? अच्छा, जब सौदा लाने को कहा था उस वक्त तो तुमने टाल मटोल की, अब जब हलीम तैयार हो गई है तो आ गए हो खाने। नहीं मिलेगी। प्लीज कैसी लगी प्रॉपर्टीज आपको? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो कितनी बुक कर दो? कितने ऑफिसेज हैं ये सब के सब? कुल मिला के 35। 35 खरीदो भाई, सब के सब खरीदो। बहुत अच्छा फैसला है सर आपका। आप देखिएगा ये चंद सालों में ये प्रॉपर्टीज कहां से कहां चली जाती हैं। थैंक यू। पेमेंट सर कैश में करेंगे? फिक्र मत करो, सारी की सारी पेमेंट कैश में होगी और उसमें से हम 2% तुम्हें भी देंगे। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। वसीम, 5 मिनट दीजिएगा, मेरा एक क्लाइंट आया, मैं जरा उनको देख लूं। क्या हाल है सर? ठीक ठाक। ये है तुम्हारी? सर जाते हैं आजम मलिक साहब। अरे तुम नहीं, लेकिन चलो मजा आ गया। क्या स्पेशल इफेक्ट्स थे, क्या एनिमेशन थी। इट्स लाइक रियल लाइफ। मेरे तो जिंदगी के 2.5 घंटे जाया हो गए। सच अ लाउड फिल्म। आई डोंट लाइक सच लाउड फिल्म्स। ऐसी पसंद तो सिर्फ तुम्हारी हो सकती है। शोरी तो जिंदगी है, मैं नहीं देख सकता ये तुम्हारी रोने धोने वाली फिल्में। खैर छोड़ो, तुम जीते मैं हारी, ठीक है। अब ये बताओ जिंदगी में क्या करना है, व्हाट डू यू वांट टू डू, कहाँ से शुरुआत करना चाहते हो, क्या काम करना चाहते हो। मैं ये घटिया छोटी छोटी जॉब्स नहीं कर सकता। हे हे हे, चलो सबसे पहले तो तुम्हें ये बुरी आदत छोड़नी होगी, समझ में आई ना। Do you know it's very bad for your health? अच्छा खैर ये बताओ लॉर्ड एजत को काम क्या करना है, करना क्या चाहते हो। मुझे नेक्स्ट 2 ईयर्स में एक घर, एक स्पोर्ट्स कार और एक वर्ल्ड टूर में जाना है। ये सिर्फ बिजनेस से आ सकता है। बिजनेस मनी इज इन एवरीथिंग, ऐसा सब कुछ नहीं होता, और भी इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं लाइफ में। ट्रस्ट मी जैज, ऐसे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नो इट इजंट, यू हैव सच अ वंडरफुल फैमिली। तुम्हारी माँ, तुम्हारा भाई कितने अच्छे हैं, कितना केयर करते हैं तुम्हारी। And it's all priceless. जो जिंदगी में important होता है ना, उसे protect भी करना होता है। यार, इन्होंने कहा जाना है, ये तो यही है। और जो मेरी खुशी, वो उनकी खुशी। अच्छा खैर, चलो फिर घर। मेहरू आंटी की कॉल ही आती होगी। चलो। Listeners, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, आज हमारे साथ होंगे मिस्टर आजम मलिक, तो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर आजम मलिक, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे शो में बुलाया। जैसे कि आप जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है हम ब्रिटिश पाकिस्तानी चैरिटी में आगे आ गए। अगर इसका मतलब आपसे पूछे तो क्या होगा? हम पाकिस्तानी ब्रिटेन में चैरिटीज पर मुकम्मल यकीन रखते हैं, और क्यों ना रखें, ये हमारे दीन का हिस्सा है।
आपके ख्याल में क्या हम ब्रिटिश पाकिस्तानी दिल खोल के चैरिटी देते हैं? यहाँ पर आया हुआ हर पाकिस्तानी सख्त मेहनत करके अपने कुंबे की कफालत करता है, माँ बाप बहन भाई बीवी बच्चे और फिर उस पर एक्सटेंडेड फैमिलीज। यहाँ पर रहकर वो उनके मसाइल भी सुनता है और वक्त आने पर उनकी मदद भी करता है। तो आपका मतलब है कि आपकी चैरिटी एक महफूज जरिया है लोगों की इमदाद के लिए? यास्मीन, पहली बात तो ये है कि चैरिटी सिर्फ मेरी नहीं, आप सब लोगों की। मैंने तो सिर्फ एक कदम उठाया, अल्लाह ने मेरी मदद की। पाकिस्तानियों के साथ साथ यहाँ पर हर कल्चर के लोग हमें सपोर्ट करते हैं। वैसे तो यूनिवर्सिटी के बाद लोग हाई फाई जॉब ढूंढते हैं या बिजनेस शुरू करते हैं। आपने ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शुरू की, इसकी वजह? सच पूछें तो इसका रीजन एक बहुत पर्सनल सा है। मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे वालिद साहब इस दुनिया से चले गए। हम बर्तानिया में आए, मैं, मेरा छोटा भाई इज्जत और मेरी माँ। हम लोगों ने बहुत मुश्किल वक्त देखा। मैं हमेशा सोचता था कि मेरे वालिद साहब जहाँ भी होंगे हमें देखकर बहुत दुख में होते होंगे। मैंने सोचा कि मैं एक दिन कोई ऐसा काम करूँगा जिससे मेरे वालिद साहब को मुझ पर फख्र। That is so beautiful. आपकी सोच कितनी अच्छी है। Okay, listeners, time होता है एक शॉर्ट ब्रेक का, लेकिन हम वापस आएंगे और इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और एक गाना भी मैं आपके लिए पेश करूंगी। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। अस्सलाम वालेकुम अज़र साहब। दिलावर मलिक, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम दिलावर साहब, आई एम फाइन, हाउ आर यू? अभी से आगे उर्दू में बात कर लें तो अच्छा रहेगा। मैं तो पहले भी आपसे उर्दू में ही बात करना चाहता था। बैठिए। ये सिर्फ सिक्योरिटी के लिए अज़र साहब। आपकी जान इस ऑफिस और कमरे में महफूज है, इनसे कहिए प्लीज बाहर वेटिंग रूम में वेट कर लें। जी कहिए, क्या खिदमत कर सकता हूं आपकी? मैं खिदमत तो मैं आपकी करने आया हूं यहां पे हजर साहब, और आपके दिन भी बदल रहे। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान में एक सियासी फैमिली से है और हम लोग जमींदार भी हैं। पाकिस्तान में शहर हो या गांव, कोई भी काम हो इशारे पर हो जाता है। I'm impressed. बहुत अच्छा बैकग्राउंड है आपकी फैमिली का। शुक्रिया। ये नॉन स्मोकिंग एरिया है, अगर आपको सिगरेट पीनी है तो बाहर जाके पी सकते हैं। अरे आप तो नाराज हो गए अज़र साहब, सिगरेट हमारा शौक है,
हमारी मजबूरी नहीं, ये लीजिए। थैंक यू वेरी मच। फरमाइए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? आप बहुत कुछ कर सकते हैं मेरे लिए हाजर साहब। यहाँ की कम्युनिटी में आप काफी मशहूर हैं, लोग मानते हैं आपको, दुनिया भर के मुल्कों में आपकी चैरिटी ने बड़े बड़े काम किए हैं और यहां तक के अफ्रीका में भी आपकी चैरिटी ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं और आप हमारी तरह प्रॉपर्टीज में डील का भी शौक रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना कुछ जानते हैं मेरे बारे में, बड़ी रिसर्च की आपने। शुक्रिया। फिर तो आपसे डरना पड़ेगा दिलावर साहब। नहीं आज़र साहब, डरिए मत, दिलावर दोस्तों का दोस्त है। फिलहाल तो मैं आपको अपने गरीब खाने पे इनवाइट करने आया हूं, एक शाम दिलावर के साथ, और अगर आप चाहेंगे तो ऐसी कई शाम है। थैंक यू सो वेरी मच, मैं शाम को अक्सर अपनी फैमिली के साथ ही होता हूँ। अरे वाह, ये तो आपकी आदत बिल्कुल मेरे जैसी है। मैं भी शाम का वक्त अपने घर में गुजारता हूँ, पर इस वक्त यहाँ एक सच्चा पाकिस्तानी दूसरे सच्चे पाकिस्तानी को दावतनामा देने आया है। बोलिए कब आ सकते हैं? हेलो, चाय या कॉफी? कॉफी चलेगी। कॉफी फॉर माय गेस्ट। थैंक यू। हेलो मिस्टर अजम मलिक। या कम इन प्लीज। वेलकम, आपने आके दिल खुश कर दिया। आप मेरे बारे में इतना कुछ जानते हैं जितना मैं भी नहीं जानता, तो आना ही पड़ा। ये नहीं है, अभी अभी शो बिजनेस में कदम रखा है और आने वाले दौर की सुपरस्टार। ओके, क्यों नहीं? आपका साथ रहा दिलाव है तो क्यों नहीं। ये है अजहर मलिक, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। आइए बैठिए। नहीं, कुछ मेहमान नवाजी हो जाए। सो अरे नहीं, प्लीज आप बैठे। अरे आप हमारे घर आए। काम की बात हो जाए। काम बहुत आसान और छोटा है। आपकी चैरिटी को पिछले 3 महीने में 10 मिलियन मिले। ये वो पैसा जो आप पाकिस्तान में पानी के प्रोजेक्ट्स पे लगाना चाहते हैं। मुझे यहां कुछ घर पसंद आए हैं जो मैं खरीदना चाहता हूं। यही पैसा आप मुझे यहां चुपचाप दे दें और यही 10 मिलियन पाउंड मैं आपको पाकिस्तान में कैश दूंगा, रेट वो जो आप डिसाइड करें। किन सोचों में खो गए हैं ये मत सोचिए कि ये पैसा आपको कब और कैसे मिलेगा, बस ये सोचिए ये पैसा आपको बहुत जल्द और बहुत जल्द मिलेगा। सो डील। ठीक है दिलावर, लीजिए ऐसे सर, आप काम शुरू करें, 2 दिन में 5% आपको आपके ऑफिस में मिल जाएगा।
सर चले। यहीं रुको, मैं खुद लेके जाऊंगा। ओके। आंटी आप मुझे भी अपना बेटा ही समझिए, और आपके हाथ की बनी हुई चाय तो मैं जरूर पी के जाऊंगा। मैं अम्मी बनाता हूँ चाय। नहीं नहीं, तुम लोग बैठो, मैं बना के लाती हूँ। अरे अरे आंटी बैठिए, चाय भी पी लेंगे, अभी तो आए हैं। गालिबन ये आपका छोटा भाई है? जी इज़्ज़त, मेरा छोटा भाई। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर इज़्ज़त, कभी आओ ना हमारे फार्म हाउस पर। जी जी जरूर। जी जी आएंगे, इज़्ज़त भी आएंगे। इज़्ज़त जरा ऊपर जाना, कुछ बात करें। जी जरूर। दिलावर आपको मेरे घर का पता कैसे लगा? अजहर भाई आपको तो पूरी दुनिया जानती है, कम्युनिटी में काफी नामी गिरामी है आप। हमने थोड़ा सा जान लिया तो क्या होता है, और अभी तो जान पहचान शुरू हुई है। और मैंने आपसे कहा था दिलावर जिसके साथ काम करता है उसकी सारी खैर खबर रखता है। इसका मतलब है कि आपकी खबर और ख्याल हमें भी रखना पड़ेगा। मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मैं पहले भी कहीं तुमसे मिली हूं? मतलब तुम्हारे बचपन की शक्ल मुझे याद आती है शायद। शायद अब तो हम एक ही खानदान है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, बाज़ औक़ात खून के रिश्तों से ज्यादा गैर वो काम कर जाते हैं जो अपने नहीं करते। बिल्कुल ठीक कहा आपने आंटी। अच्छा मैं चाय लेके आती हूँ। तुम्हें पता है मेरू आंटी की चाय इतनी मजे की होती है, स्पेशली वो इलायची वाली। कभी तुम पियोगे ना तो तुम्हें भी मजा आ जाएगा। तुम दोनों ही वो ओल्ड सिली सॉन्ग सुनती हो ना, और उसके साथ चाय का सिप भी लेती हो। You're too funny. अच्छा सुनो, तुमने मुझे बताया था कि तुम कुछ बिजनेस कर रहे हो, क्या सोचा है, कौन सा कर रहे हो? आज भाई का दोस्त आया था, क्या स्टाइल था, 4x4 एक्सपेंसिव आफ्टर शेव। फिर मैंने उनको देखकर इरादा कर लिया, मुझे भी उनके तरह बिजनेसमैन बनना है। अमेजिंग। अच्छा तो तुम उसी से पूछ लो कोई बिजनेस सेटअप का आइडिया। हाँ पूछ तो लेता, बट फर्स्ट टाइम आया था हमारे घर, तो मे बी अनदर टाइम आई विल आस्क हिम। ओके यास्मीन, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या अच्छा बोलती हो तुम। थैंक यू सो मच। मैं तो तुम्हारा कोई प्रोग्राम सुनना मिस नहीं करती। मुझे याद है तुमने अपने वालिद का जिक्र किया था ना, तुम जानती हो यहाँ एंसेस्ट्री यूके है जिनके पास तमाम फैमिली के रिकॉर्ड और उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं। जी आंटी मैं जानती हूँ, बल्कि मैं तो खुद ही सोच रही थी आई शुड कॉन्टैक्ट देम मायसेल्फ। वहाँ मेरी एक फ्रेंड होती है सैम, मैंने उससे जिक्र किया था, वो तुम्हें हेल्प आउट करेगी। रियली आंटी ये कह के तो आपने मेरी जिंदगी में एक नई उम्मीद सी जगा दी। उम्मीद को कभी भी न छोड़ना, उम्मीद ही जिंदगी है, और यही उम्मीद हमें अपने रब से मिलाती है। हेलो दिस इज दिलावर मलिक, आपके भाई का दोस्त जो आपके हिस्सा आ रहा है। कौन है सर? पता लग जाएगा, तुम्हें भी पता लग जाएगा। ओके। हुसैया हुसैया हुसैया, वेलकम इज़्ज़त मलिक, बहुत खुश हुई तुमसे मिलकर। थैंक यू सर, द प्लेजर इज माइन। अरे ये सर्वर छोड़ो, अब हम साथ काम कर रहे हैं, और मेरा नाम दिलावर है, दिलावर ही सही रहेगा। और ये नीनी है, आने वाले वक्त की शो बिजनेस की सुपरस्टार,
और यह है इज्जत, आजर का छोटा भाई। Nice to meet you too. बैठो जी, जरूर दिलाओ। रिलैक्स इज्जत, तुम बहुत टेंस नजर आ रहे हो। नहीं मैं ठीक हूं। निनी को देखो, हर तूफान में मुस्कुराती रहती है। थैंक्स दिलावर, जिंदगी इसी का नाम है। यही तुम्हारी अदा मुझे बहुत पसंद। मैं यहां कुछ बिजनेस शुरू कर रहा हूं जो सब तुम संभालोगे। कौन, मैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे ऐसे वैसे कैसे कैसे लोग बिजनेस संभाल रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं। तुम सर के भाई इज्जत हो। मगर उससे पहले तुम ये अपना हुलिया हुलिया सही करो। तो पर पहने। सॉरी, इसका क्या मतलब? कोई इटालियन डिजाइनर वगैरह पहनो, एकदम ब्रांडेड, एकदम कूल। फ्रांको? यस बॉस। इज्जत को 25,000 पाउंड कैश दे दो। श्योर। जाओ कुछ शॉपिंग वॉकिंग करो। रियली हैप्पी इज्जत? दिलावर भाई थैंक यू वेरी मच। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता था तुम यही बोलोगे। अभी जाओ, इस दौलत के मजे लो। समझो ये तुम्हारे बाप की दौलत है। Can't believe it, दिलावर भाई आप तो सचमुच के ही किंग हो। नो, मैं कोई किंग विंग नहीं हूं, मैं दिलावर हूं, यारों का यार। Oh my God, मॉम कितनी खुश होगी। गुड गुड, क्या बात है, हैं? कहाँ मिली है यार? कुछ डिटेल्स, ट्रैवल, स्टे, 5-star होटल्स, हैं? फैसिलिटीज, बताना। बस वही एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, अभी डिटेल्स इंक्लोज नहीं हुई, बट सून पता चल जाएगा। जॉब मिल गई और डिटेल्स नहीं पता? ऐसा कैसे हो? कुछ तो नाम होगा। कभी नहीं पता कुछ भी। ऐसा कब होता है यार? जब आपकी जॉब कहीं लगती है तो आपको पूरा डिटेल्स पता लगती है। मुझे लगता है आप और माँ को मेरी सक्सेस में खुशी नहीं है। अरे कैसी बातें कर रहा है इज्जत, हम लोग बहुत खुश हैं। क्या हो गया मैन? It's just that we care for you. मैं बच्चा नहीं हूं आजर भाई, प्लीज मेरी फिक्र करना छोड़ दें। इज्जत प्लीज बस कर दो, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर मनी? बस आई नीड टू गेट सम टी-शर्ट्स, दैट्स इट। लेकिन मुझे ये बताओ कि इतने सारे पैसे आ कहां से रहे हैं तुम्हारे पास? एक ना एक दिन तो आने ही थे, अच्छो जल्दी आ गए। चलो छोड़ो, सिनेमा चलते हैं, खाना खाते हैं। अरे ये हुई ना बात, अब लग रहे हो बिजनेस पार्टनर। पर आपने मुझे अभी तक बताया नहीं है, प्रोजेक्ट्स क्या है, करना क्या है? अरे इतनी जल्दी भी क्या है, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता होगा। और तुम जिसे चाहोगे अपने साथ पार्टनर रखोगे,
मुझे कोई एतराज नहीं। Gentlemen, थैंक यू निधि। भरत मजे करो, ये दुबई में मेरे एक बहुत ही अजीज दोस्त ने मुझे गिफ्ट दी थी, ये तुम्हारे लिए। वाओ, थैंक यू, यू आर वेरी काइंड। Is it? Hi. Are you okay? Yeah, I'm okay. Jazz? Is it you're drunk? Drunk? Main to ud raha hu. I'm flying. Yaar tumhare zameen pe nahi pade aur tumhe udne ki padi hui hai. क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं, मैं तो एक दो ड्रिंक पिए बस, खुशी हो रहा है, बहुत खुश हूँ। I'm so happy. You're looking so lovely. Is it? You're looking so gorgeous. Drugs? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। और सुनो मेरी बात, घर जाते ही सीधा तुम अपने कमरे में जाओगे। राजीव और मेहरू चुप करो, चलो दिलावर। कौन सा दोस्त है तुम्हारा? आज से पहले तो कभी जिक्र नहीं किया तुमने इसका। अभी नई नई मुलाकात हुई है, नई दोस्ती है, ऑफिस आया था इसलिए शायद आप नहीं जानते। अच्छा, क्या करता है, कहाँ से आया? पाकिस्तान से आया, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और आपको पता है इस तरह के लोगों का पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होता है, पीछे बहुत सारी जायदाद है इनकी। पता नहीं क्यों उसे देख के मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उससे पहले भी कहीं मिली, लेकिन मुझे याद नहीं आया। वैसे बेटा मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आई उससे मिलके, तुम उससे दूर ही रहो तो अच्छा है। बिजनेस में हजार तरह के लोगों से मिलना पड़ता है, अच्छे बुरे, और आपकी तरबियत ने तो मुझे सिखा दिया है लोगों की पहचान। अच्छा नहीं होती परेशान, अब तुम लोग बड़े हो गए हो ना, तो माँ की बात कहाँ अच्छी लगेगी। कैसी बातें करें, माँ के लिए तो जान भी हासिल। चलो चलो, कहाँ लेके जा रहे हो? मनी को? What? No way. This is your new car. Yep. Oh my god. Oh my god. Wow. Is it? This is such an amazing car. So beautiful. I'm so happy for you, is it? Thank you. अच्छा सुनो, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे अपनॉर्थ जाना है, तो तुम मुझे ले जाओगे? चलेंगे किस दिन, अब तो नया काम है तो काफी बिजी हूँ। चाल रहे हो? नहीं बिल्कुल नहीं, I need to ask you something important. हाँ बोलो। I think I'm falling for you. Is it? मैंने तुम्हें कभी उस नजरों से नहीं देखा। You know that you are my best friend, but that's it. ना मत बोलना,
इज्जत का दिल टूट जाएगा। Okay, let me think about it. सोचना क्या है यार? You love me too, right? Let me prove it to you. Hey! What's wrong with you? Behave yourself and stay away from me. आज़र, मैं तुमसे इज्जत के बारे में बात करने आई। क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है? तुम्हें पता है उसने मेरे साथ कल रात कितनी बदतमीजी की? जिंदगी में पहली बार। पूरी रात परेशानी में मैं सो नहीं पाई। समझ ही नहीं आ रहा था किससे बात करूं। तुम्हारा ख्याल है? Are you okay? Do you know that he started drinking? What? कुछ ही ऐसा पहले मैंने उसको ड्रंक हालत में घर छोड़ा। Not just that, उससे तो सुना भी शुरू कर दी। क्या? और ये सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं उसके पास? I'm telling you, Azir, there's something dodgy. He's losing all his morals. Please, Azir. Azir, उसे बचा लो, please. इससे पहले बहुत देर हो जाए। ड्रिंक करनी शुरू कर दिया? ड्रग्स लेनी शुरू कर दिया तुमने? हाँ? आपको किसने बताया? यास्मीन ने मुझे तुम्हारी सारी हरकतों के बारे में। आज़र भाई, बचपन से लेकर आज तक हर बात में मुझे टोकते हैं, रोकते हैं। इधर जाओ, इधर मत जाओ, ये कपड़े पहनो, ये मत पहनो, इसको दोस्त बनाओ, इसको नहीं। दिस इज माई लाइफ इंटरेस्ट। Not everyone can become like you. तुम मुझे बताओगे बचपन से लेकर आज तक माँ ने मुझे हमेशा ये कहा कि इसको तुम दुनिया की काली नजरों से बचा के रखो। मैंने तुम्हें अपना भाई, दोस्त, मैं सब कुछ समझा। मैं नहीं पूछूंगा तुमसे कि तुम क्या कर रहे हो और कहाँ जा रहे हो। जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो उस पे परेशानी भी है और पशेमानी भी। और देखना कि वापसी का रास्ता जरूर हो तुम्हारे पास, वरना सारी उम्र भटकते रहोगे। अब चलते हो मेरे सक्सेस से? अब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे मैं इतना जल्दी इतना अमीर हो जाऊंगा, इसीलिए अब से बर्दाश्त नहीं हो रहा। I shouldn't have done this. खामा खाम मैंने आप दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई करवा दी। कोई बात नहीं यास्मीन, वक्त सारे घाव भर देता है, सब ठीक हो जाएगा।
नहीं, मुझे तो रिश्ते निभाना ही नहीं आता। शायद इसीलिए अल्लाह ने मुझे मुझे कोई रिश्ते दिए ही नहीं, और जो दिए वो छीन लिए। कैसी बातें कर रहे हो? कौन छीनेगा तुमसे तुम्हारे रिश्ते? हम हैं ना तुम्हारे लिए। मुझे तो डर लगता है कि जो रिश्ते बच भी गए वो भी कहीं छीन ना जाए। यास्मीन, कैसी बातें कर रही? इतनी प्यारी बच्ची हो, इतनी केयरिंग, ये छोटी छोटी बातों को तुम क्यों दिल पे ले लेती हो? ऐसा कुछ नहीं है बेटा। आंटी, बाबा का पता चल चुका है मुझे, मुझे उनका एड्रेस मिल चुका है, मैं जानती हूँ वो कहाँ रहते हैं। पर मुझ में हिम्मत नहीं उनको फेस करने। आउटस्कर्ट्स में काफी दूर रहते हैं डैड। लो, इतनी छोटी सी बात में तुम्हें इतना परेशान कर दिया। जा, पैक योर बैग्स, गर्म कपड़े रख लेना, ठीक है? आज़र तुम्हें साथ लेके जाएगा। लेकिन आज़र का ऑफिस? मेरा बहुत प्यारा बेटा है, मेरी कोई बात नहीं टालता, है ना आज़र? यास्मीन, मैं लेकर जाऊंगा तुम्हें। आप खुश? Take it easy, शायद अभी कुछ देर में हम लोग पहुंच ही जाएंगे। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के अस्सलाम वालेकुम भाभी। मैंने बहुत फोन किए माफी मांगने के लिए। मैं आपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूं। मैं हर वक्त यही सोचता हूं कि मैं अपने भाई को क्या मुंह दिखाऊंगा, इसलिए मैं आप लोगों से माफी मांगने के लिए आया हूं और आपकी जायदाद भी वापस करना चाहता हूं। मेरा वो भाई जिसने सारी जिंदगी मोहब्बत के सिवाय कुछ नहीं मांगा। बचपन में जब घर से मैं पैसे चोरी करता था तो मेरी सजा भी खुद पे ले लेता था, और आपनी जमीनों में से आधा हिस्सा मुझे दे दिया बगैर मेरे पूछे। लेकिन फिर भी मेरी अवस कम नहीं हुई। काश मैंने भाभी और भाई की जिंदगी में इस तरह जहर न घोला होता। अब मुझे कैंसर हो गया। भाभी मैं माफ कर दियो, मैं अब ज्यादा देर जिंदा नहीं रहूंगा, इसलिए मैं चाहता हूं मैं आपका हक, आपकी जायदाद आपको वापस कर दूं। मुझे माफ कर दो भाभी, मुझे माफ कर दो। आप क्या कर रहे हो? ऐसा ना करें प्लीज, प्लीज ऐसा ना करें प्लीज भाभी, मुझे माफ कर दो। मेरा बोला मैं की कर देता है, मैं आपने भाई और भाभी की जिंदगी खराब कर दी थी। आजकल मेरा बेटा दिलावर भी यही है। दिलावर? मैं शायद मिल चुकी हूं उससे। क्या सोच रहे हो आज़िर? सोच रहा हूँ कि हम कितने खुदगर्ज होते हैं, सेल्फिश, अपनी जिंदगी में मसरूफ, अपनी धुन में मगन। हमारे साथ जो होता है हम
उसके दर्द को कभी महसूस ही नहीं करते। Stop blaming yourself, आज़िल। अगर तुम महसूस नहीं कर सकते तो आज मेरे साथ यहाँ पे क्या कर रही हो? जो मेरी चाहत है ना, उसे मैं हर दिन, हर रात, हर पल महसूस करता हूँ। जो रूह में हो उसको महसूस करने की जरूरत नहीं है, वो तो मेरा अपना है और अपना ही रहेगा। अच्छा, तुम उस पर ये जाहिर क्यों नहीं कर रही थी? डरती हूँ कि कहीं वो मुझसे दूर ना चला जाए, जिस तरह सारी खुशियां मुझसे दूर चली गई। हो सकता है वो भी यही सोचता। मेरा दिल कहता है एक ना एक दिन तुम्हें तुम्हारी चाहत जरूर मिलेगी। मॉम, ये क्या है? तुम अपने आपे से बाहर होते जा रहे हो। दोबारा ये खाना बनाया है? It's garbage. शर्मानी चाहिए तुम्हें रिस्क के लिए सर बोलते हुए। ओह मॉम, फॉर गॉड सेक, ये लेक्चर बाजी छोड़े, कुछ पकाया मुझको भूख लगी है। माफी मांगो। और शट अप मॉम, बकवास बंद करे, रिमोट दे। तुमने नशा किया है? बोलो बोलो। हाँ हाँ, नशा किया है, करूंगा। इट्स अ फ्री कंट्री, आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट। हर बात में मुझे क्यों टोकते हो? क्या मैं आपका नौकर हूं? अभी निकलो मेरे घर से, निकलो। चलो यहां से दफा हो जाओ, निकलो, चलो निकल जाओ यहां से, दफा हो। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी जैसी औलाद, जाओ। इंसान भी क्या चीज है, दरख्त बन के फिर से उग जाता है। खुश तो बहुत होगे तुम लोग इस मिट्टी के नीचे, दुनिया के सारे झमेलों से दूर आराम की नींद सो रहे होगे। मेरे ख्याल से देर हो गई, इतनी रात को तुम्हारे डैड के घर जाना ठीक नहीं। I think you're right. यहाँ होटल ले लेते हैं और सुबह निकलेंगे अर्ली मॉर्निंग। चले। Can we have two single rooms, please?
आज़िर दो की क्या जरूरत है? ऐसे क्यों खर्च कर रही है? एक ही काफी है. Can we have one? I'm sorry, at the moment we only have one available. आज़िर ये क्या है? नीचे सोऊंगा. नहीं नहीं, आप ऊपर सोएंगे और मैं नीचे सोऊंगी. क्यों? बस कह दिया ना. कुछ काम मर्दों के करने के. वालेकुम सलाम. जी वो मिस्टर राशिद मलिक का घर है? जी जी उन्हीं का घर है. कौन? जी मैं राशिद मलिक की बेटी यास्मीन मलिक हूँ. सर पाकिस्तान से पैसे नहीं आ सकते. क्यों नहीं आ सकते? किसने कहा है? बड़े मलिक साहब ने कहा. कितनी उम्र है बड़े मलिक साहब की? सर होगी लगभग 70 होंगे. 70 साल, और वो भी जब आपने ऐसे गुजारी हो. सटिया गया है साला बुड्ढा तेरा बाप. तुम ऐसा करो, बड़े मलिक साहब को ऊपर भेजने का बंदोबस्त कर दो. सर आप क्या कहना, समझ नहीं आए. अरे तुम तो ऐसे घबरा गए जैसे मैं तुम्हें ऊपर भेजने का बंदोबस्त कर रहा हूं. और सुनो, भाइयों से कहो कि वो जल्द से जल्द मुझे यहां पैसा भेजने का बंदोबस्त करें. सर बड़े मलिक साहब ने पाकिस्तान से यूके पैसे भेजने का सारा इंतजाम बंद कर दिया. बड़े मलिक साहब, बड़े मलिक साहब, बस बड़े मलिक साहब, जो मैं कह रहा हूं वो करो. और सुनो, ये जो नीनी है ना, इसको भी ऊपर, बहुत ऊपर भेजने का बंदोबस्त करो.
क्योंकि दिलावर ने उससे वादा किया है कि वो उसको सितारों की दुनिया में भेजेगा, बहुत ऊपर। चाय मैंने इसलिए नहीं बनाई कि खाने का टाइम हो गया है, सब मिलकर खाना खा लें तो फिर चाय पी लेते हैं। ओके। आप लोग बैठिए, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। कैसी है तुम्हारी माँ? तुम उसके साथ ही रहती हो ना? जी वो ठीक है, हम दोनों साथ ही रहते हैं। ये आजर है हमारे नेबर और बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड भी। थैंक यू आजर, तुम इसको यहां लेके आए। किस बात का थैंक यू? तो सारी यास्मीन की एफर्ट्स हैं, ये खुद आपसे मिलना चाहती थी कई सालों से। मिलना तो मैं भी चाहता था यास्मीन से, लेकिन हर बार मैं दिल को समझा लेता था कि मेरी वजह से इसकी ठीक ठाक चलती हुई जिंदगी में कोई परेशानी ना हो, कहीं मुझे देखकर अपसेट ना हो। मैं इसका मुजरिम, शर्मिंदा भी हूं इससे। इसका सारा सारा लड़क मेरे बगैर ही गुजर गया और मैं यहां इसकी याद में तड़प कर रहा। पर कभी मिलने की हिम्मत नहीं कर सका। प्लीज छोड़े मुझे और मेरी माँ को। ऐसा क्या कर दिया था? तुमने क्या करना था मेरी बच्ची? तुम तो मासूम थे, सिर्फ 2 साल के। कसूर तो मेरा भी नहीं था, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे थे। जवानी में नया नया इस मुल्क में आया, हर चीज मुल्क को पाए। उसी दौरान तुम्हारी मां से मुलाकात हुई और जज्बात फौरन हमने शादी भी कर ली और चंद महीनों बाद तुम भी इस दुनिया में आ गई। लेकिन थोड़े वक्त बाद मुझे रियलाइज होना शुरू हो गया कि मैं और निकोला बहुत डिफरेंट हैं। हमारी हर बात पे लड़ाई होती थी और इस लड़ाई की वजह से तुम रोजाना सारा सारा दिन रोती रहती थी। एक 2 साल की बच्ची को उसकी मां से कैसे जुदा करता, ये मैं नहीं कर सका। और करते तो आना भी मुश्किल था और दूसरी शादी भी। शायद मैं खुद गर्स हो गया था, लेकिन तुम्हारी मां निकोला कभी ना रह सकती तुम्हारे पास। मुझे मेरे बाप की जरूरत नहीं थी। तुम्हारा बाप एक कंफ्यूज और डरा हुआ इंसान था,
जो जब वो घर छोड़ के निकला तो सब कुछ उधर ही छोड़ा है। अल्लाह ने इसलिए शायद मुझे दोबारा कोई औलाद नहीं दी कि मैं औलाद का सुख डिजर्व ही नहीं करता। पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूला, हमेशा तुम्हें याद करता रहा, दूर से बैठकर दुआएं देता रहा। बस जो कुछ हो गया वो हम दोनों की किस्मत। से मिलकर बड़ी खुशी हुई सर, आते रहना। जरूर आऊंगा, आपसे भी मिलकर बहुत खुशी हुई। खाना बहुत अच्छा था। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बेटा, इस वक्त बहुत रात हो चुकी है और मैं तुम लोगों को नहीं जाने दे सकती। सुबह चले जाना ना। नहीं, हम लोग निकल जाएंगे, सुबह तक पहुंच जाएंगे आराम से। रुक जाना बेटा। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी। इस चांद की रोशनी में तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो यासमीन। मुझे पता है तुम सिर्फ मुझे खुश करने के लिए कह रहे हो। You don't mean it। तुम्हें यकीन नहीं आता? चलो इस चांद से पूछ लेते हैं। चंदा जी, बताइए यास्मीन कैसी लग रही है? अजय, तुम्हें पता है तुम्हारी जिससे भी शादी होगी वो कितनी खुशकिस्मत होगी। क्यों? क्योंकि तुम बगैर मतलब के लिए सबके लिए काम करते हो, सब कुछ करते हो और एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखते रिटर्न। ये क्या बात हुई? वो जो तुम मुझे स्कार्फ देती हो, मेरे रुमाल ठीक करती हो, मेरे इंटरव्यू लेती हो ताकि मैं पूरी दुनिया में मशहूर हो जाऊं, उससे तो मैं वैसे ही सेठ बन जाता। किसी दिन टैक्स वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे। कोई रसीदें शजीदें नहीं है मेरे पास इन एहसानात की। वो एहसानात नहीं, मेरी खुशी नहीं है जो आपके पास इमानत के तौर पे रखी। इतनी सब मांगोगे? किसी ऐसे दिन ना मांग लेना जिस दिन मैं गरीब। खुद गरीब हो जाऊ। डोंट लूज दीज प्रेशियस पर्ल्स। You have to leave early. Beta, aap apna khayal rakhiyega. Oh, my God.
प्रेजेंट। तुम ये क्या कर रही हो? क्या हुआ? वो तुम्हें मार देंगे, तुमको भागना होगा यहाँ से। कौन मार देगा? दिलावर। तुम्हारा दिमाग क्यों नहीं खराब हो गया? दिलावर और मुझे मार देंगे। उसने प्लान किया था, मैंने अपने दोनों कामों से सुना। शट अप इज़्ज़त, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? अगर तुम्हें मरना है मरो, मैं तो जा रहा हूँ। मम की कॉल आ रही। अस्सलाम वालेकुम मम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ मेरी जान। आपकी आवाज कुछ बदली बदली लग रही है मम्मी। नहीं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ कि यास्मीन कैसी है? उसके वालिद से मुलाकात हुई उसकी? जी हम मिल आए, बहुत खुश है। मेरी तरफ से ना उसके वालिद से मिलने की बहुत मुबारकबाद देना उसे। बस अब हम लोग कुछ घंटों में पहुंच जाएंगे। तुम बस खैर खैरियत से वापस आओ, बाकी बातें हम घर पे करेंगे। प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। जी मैं ख्याल से चलाऊंगा गाड़ी। बाय, खुदा हाफिज। क्या हुआ है तुम्हें? नशा करके आए हो? क्यों आए हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। चलो निकलो यहां से, दफा हो जाओ। माम, आप और भाई सही कहते थे। मैं बहुत गलत लोगों के साथ फंस गया था। मैंने उस वक्त आप बने की बात नहीं सुनी और अब तक पछता रहा हूं। मुझे माफ कर दे प्लीज। प्लीज forgive me। तुम जानते हो ना किस तरह सारी दुनिया से अकेले लड़के मैंने तुम दोनों की परवरिश की, किस तरह तुम दोनों की जरूरियात और ख्वाहिशात का ख्याल रखा। माँ और बाप दोनों बन के तुम लोगों को पाला। तुम लोगों की जरूरियात, तुम लोगों की ख्वाहिशात के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन आज आज मेरा बेटा नशा करके मेरे सामने खड़ा है। यही है मेरी कुर्बानियों का रिवॉर्ड। नो मॉम, आपकी तरबियत में कोई कमी नहीं थी, ये सब मेरी गलती है। अपनी मेहनत से मैं अपनी जिंदगी सही तरीके से जीऊंगा। मुझे माफ कर दी। There's no one like you, Mom. I love you so much. मुझे पता है। Love you.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। Congratulations, Jazz. You done it. Followed your dreams, and you met your father. I'm proud of you. We're all proud of you. आपसे माफी मांग रहा हूँ। It's okay, is it? जो हुआ, उसको भूल जाओ। वैसे तुम काफी चेंज नजर आ रहे हो। आई मीन इन अ गुड वे। कर दिया ना तुम्हें मुझे माफ। हाँ हाँ, मैंने माफ कर दिया तुम्हें। डोंट वरी। आपसे माफी मांगे मैं बहुत गलत था। आपने बचपन से लेकर आज तक मुझको प्रोटेक्ट किया, स्कूल में, नेबरहुड में। जब मेरे पास दोस्त नहीं थे, आप मेरे दोस्त थे। But you are my hero, and I can never become like you. I love you, Azir bhai. मांगने की जरूरत नहीं। इसे तो हमारा हिस्सा है, तेरी कोई गलती नहीं। कुछ वक्त के लिए बस भटक गया था, और कामयाब तो वो होता है जो तेरे से रोशनी की तरफ आता है। You are the hero, man. You are the hero. Asad. I'll say the father. Sorry, wrong number. Nein! Asad! तुमने दिलावर को कमतर समझा? ये तुमने सही नहीं किया। Relax, दिलावर, calm down. ऐसे तो बैठोगे? दोस्ती का हाथ बढ़ाकर दुश्मनी, इसकी सजा जरूर मिलेगी तुम्हें सर। इतना गुस्सा? ये गुस्सा मेरे लिए नहीं, असर के लिए है। तो अब क्या करोगे? अब ऐसी एक शख्सियत को मैं स्टेज पर दावा देना चाहती हूँ जिनको ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंग्लिस्तान में भी बहुत सराहा जाता है। दुनिया में कोई भी मुस्तहिक मदद के लिए इनको पुकारे तो ये उनकी मदद के लिए भर चढ़ के हिस्सा लेते हैं। पाकिस्तान की शान और आन आज़िर मलिक साहब को। देते हैं लॉर्ड वसीम साहब। आप सब लोगों को ये दिन बहुत बहुत मुबारक। बरतानिया में दुनिया के हर खत्ते से हजारों शहरी आते हैं और यहाँ की शहरियत हासिल करते हैं। एक ऐसी ही शख्सियत इस मुल्क में आई थी, बहुत से ख्वाब उम्मीदों से सरशार,
वो लंदन की इन सड़कों पर दो मासूम बच्चों के साथ बेसहारा खड़ी थी। आज़र और इज़्ज़त, यहां आना उसकी मजबूरी थी। उसे प्यार था अपनी सरजमीन से, अपनी मिट्टी से और सरसब्ज परचम से। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं उसका सहारा बनूंगा, उसको बेसहारा होने नहीं दूंगा। ये वोट मेरा नहीं है, ये वोट मेहरू मलिक का है। बहुत बहुत शुक्रिया मां, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का कि आप लोग यहां आए। और हाँ, ये अच्छे बुरे इंसान तो हर सोसाइटी में होते हैं, हर कल्चर में होते हैं। एक ऐसा ही इंसान रूपी सिंह था जिसने हमारे खानदान को सहारा दिया, और अगर वो ना होता तो शायद हम इस मुकाम तक ना पहुंचते। इस दुनिया में नहीं है रूपी सिंह, लेकिन उसकी वजह से जो काम हमें मिला, शुक्रिया बरतानिया, शुक्रिया पाकिस्तान। एक्सक्यूज मी, Can you please move your car? It's an emergency. I'm sorry. I just do it. कहा था ना कि मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों आखिर तक नहीं पाता। अपनी मां को ढूंढ रहे वो इस वक्त मेरे पास है। दिलावर, मेरी मां को एक खराश भी नहीं आनी चाहिए, समझे तुम? इतना गुस्सा मत करो। मेरे बाप ने जो गलती की, अपनी सारी जायदाद तुम दोनों के नाम कर दी, वो मेरी है। उसके पेपर मेरे पास तैयार है, आकर साइन कर दो। और हां, हर जाने के तौर पर अपनी चैरिटी के पाउंड कैश भी साथ लेकर आ। ओके। और तुम समझदार, अगर पुलिस या कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की तो मैं ताई अम्मी को ताई अबू के पास भेज दूंगा। वैसे भी वो ऊपर अकेले कब से उनका इंतजार कर रहे हैं। ओके।
मुझे याद है कि आप मिर्चें हल्की खाया करती थी और मैं तेज खाया करता था, पर आज आपके लिए हल्की मिर्चें डाली हैं ताई अम्मी। आज अगर ताई अब्बू भी यहां होते तो मेरा खाना उनको बहुत पसंद आता। क्या करें तुम्हारा, खून के रिश्ते भी ना ऐसे होते हैं कि कभी खत्म नहीं होते। सोचा तो था आपको एक अच्छा सा इनविटेशन कार्ड छपवा के भेजूं, पर क्या करें, ढंडोरा पीटने से नजर लगती है। और याद है आपको ये फर्नीचर, मैंने जब ये फार्म हाउस लिया था ना तब पाकिस्तान से ये फर्नीचर इसी दिन के लिए मंगवाया था तायमी। और पापा ने जो तायबू के साथ किया ना, तो मैंने सोचा कहीं आपके बेटे यहां आकर उसका मतलब मुझसे ना ले ले, तो मैं खुद यहां उनको तबाह करने के लिए आ गया। और अब ये शान और शौकत, ये ऐश, ये पैसा, सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा। Weapon safe. Calm down. Secret Service. I'm on the job. Arrest him. Yeah.
आज़िर, आज मैंने न्यूज में सुना कि तुम दोनों भाइयों को पाकिस्तान में जितनी भी प्रॉपर्टी और पैसे मिले हैं, तुम लोगों ने वो आधी पाकिस्तान में चैरिटी में दे दिए हैं। वाओ, क्या कमाल काम किया है। लेकिन आजकल के जमाने में ऐसा कहाँ होता है। तुम्हें पता है, लोग तो बल्कि दूसरों का पैसा खा जाते हैं। जिंदगी में कुछ मिले और कुछ ना मिले, ये बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, लेकिन किसी का मिलना लाजमी होता है। मतलब? मतलब ये कि ऊपर वाले ने भी कुछ जोड़ियां बनाई होती हैं। वो जरूर मिलेंगी, जैसे मिलती रही हैं, हमेशा की तरह। बल्कि एक रिश्ते में बन जाएंगे। वो कब? बहुत जल्द। मैं एक महीने के लिए पाकिस्तान जा रहा हूं। जैसे ही वापस आऊंगा, अपनी वापसी पर। वादा? वादा नहीं, कसम, क्योंकि वादे अक्सर टूट जाएंगे।